प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, आप सबने देखा कितना भयानक मंजर था। पूरे हिंदुस्तान में किस तरह के हालात थे, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। और निश्चित मानिए, उस समय को मैंने बहुत नजदीक से महसूस किया है, क्योंकि उस समय भी मेरे मिलने जुलने वालों में भी ऐसे बहुत से प्रियजन थे जिनको मैंने भी खोया है। इसलिए वो मंजर इतना भयानक था कि जिसको बोलते हुए भी मुझे बहुत पीड़ा होती है और मैं उस विषय में बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन हमें अब आगे की सोचनी है, और आगे के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मई 2021 के बाद में हम एक बहुत अच्छे समय के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और हमें अब तीसरे लहर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अभी भी बहुत से लोग हैं जो तीसरी लहर को लेकर के आशंकित हैं, परेशान हैं। बहुत से लोगों ने फोरकास्ट किया कि जुलाई के अंदर आएगी, अब उनका अगस्त हो गया है, कुछ लोग सितंबर कर रहे हैं, कुछ लोग अक्टूबर कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगी। वैज्ञानिक भी अब दो मत में आ गए हैं, एक कहते हैं कि आएगी लेकिन उतनी खतरनाक नहीं होगी, दूसरे कहते हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, इसलिए अब इस पर हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से एक डिटेल फोरकास्ट दे रहा हूं तीसरी लहर को लेकर के। तमाम अटकलों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में वो चीज बता रहा हूं कि ग्रहों की कौन सी परिस्थिति हमें कब किस चीज के लिए आगाह कर रही है। दर्शकों, एक चीज को समझिए कि तीसरी लहर अब नहीं आएगी। ये बात मैं अपने बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूं, आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। मैं केवल और केवल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष के अंदर वस्तु काल पात्र को देख करके बात की जाती है। जैसे यदि मैं उदाहरण से देना चाहूं, हमारे यहां पर सप्तम भाव खराब हो तो होता है कि परिवार के अंदर तलाक की स्थिति बनती है, लेकिन विदेश की यदि बात करूं तो वहां पर एक फैशन है, कल्चर है, नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपना तलाक लीजिए, अलग अलग हो जाइए। ऐसे में यदि हम किसी एक फॉरनर की कुंडली का एनालिसिस करें, एक इंडियन की कुंडली का एनालिसिस करें, तो दोनों के फोरकास्ट अलग होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर विवाह संबंधों का खराब होना सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के अंदर वो उनके लिए एक आम बात है। इसीलिए हमेशा वस्तु काल पात्र को देख करके ही हमेशा प्रेडिक्शंस की जानी चाहिए, और इसीलिए थर्ड वेव को लेकर के मैं केवल और केवल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं और देशों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से देशों में तो तीसरी लहर आके जा भी चुकी, चौथी लहर को वो लोग फेस कर रहे हैं। ऐसे में हमें केवल हिंदुस्तान की बात करनी है। हिंदुस्तान के अंदर तीसरी लहर अब नहीं आएगी, लेकिन आपको मैं ज्योतिष के आधार पर एक ऐसा समय भी बता रहा हूं जब इसकी आशंका भी उत्पन्न जरूर होगी। दर्शकों, समय आप नोट कीजिए, 14 सितंबर 2021 को बृहस्पति फिर से मकर राशि में चले जाएंगे, और जैसे ही मकर राशि में जाएंगे फिर शनि और बृहस्पति की एक युति बनेगी, और इस युति के बनने से होगा ये कि बृहस्पति भी अपनी नीच राशि में होंगे, शनि अपनी स्वराशि में होंगे, यानी वही परिस्थिति दोहराई जाएगी जो कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर, वही ग्रहों की परिस्थिति बन रही है। लेकिन यह समय कितना बड़ा रहेगा यह भी मैं आपको बताता हूं। 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे, और इस बीच के अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूं दर्शकों, बृहस्पति वक्री है, वक्री है इसीलिए वो मकर राशि में जा रहे हैं, और मकर राशि में वो 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री भी रहेंगे, उसके बाद वो मार्गी होंगे, और मार्गी होने के बाद में वो 20 नवंबर 2021 को वापिस से मकर राशि से निकल जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दर्शकों, इस थोड़े से घटनाक्रम को यदि हम देखें, लगभग 2 माह का यह समय बनता है, 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर 2021 तक का। इस समय पर हिंदुस्तान के अंदर भी कोरोना के केसेस में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि यह समय दीपावली का भी रहेगा, लोगों का मार्केट में आना जाना भी बहुत रहेगा, भीड़ भाड़ बहुत रहेगी बाजार में, एक कारण यह भी बनेगा। दूसरा, ब्रह्मांड के अंदर वापिस से वही ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, वही कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी
मकर राशि के अंदर बृहस्पति और शनि का आपस में युति बन रही है। ऐसे में दर्शकों, एक थोड़ा सा समय जो 2 माह का हमें मिल रहा है, इस समय पर यदि हम संयमित तरीके से रहे तो किसी भी तरह के कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन दर्शकों, यदि थोड़ी सी भी लापरवाही हमने इस समय पर की तो कोरोना के केसेस कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन वो तीसरी लहर नहीं होगी। यानी अगर मैं आपको कहूं 14 सितंबर 2021 तक जो भारत के अंदर कोरोना केसेस को लेकर जो आंकड़े हैं वो 50,000 को क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसी संभावना ग्रहों के कारण से बन रही है। लेकिन 14 सितंबर 2021 के बाद ये बढ़ोतरी थोड़ी सी हो सकती है, हो सकता है 50,000-60,000 या 70,000 तक पर डे के केसेस हो जाए। ये भी मैं केवल आशंका व्यक्त कर रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से सरकार इस समय पर काम कर रही है और जिस मजबूती से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कोरोना के केसेस को वो लोग बढ़ने देंगे, क्योंकि इस साल के राजा भी और मंत्री भी मंगल ही हैं और मंगल हमेशा मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में मंगल ग्रहों का मैनेजमेंट कर रहा है और पृथ्वी की यदि हम बात करें, इस धरातल की बात करें, तो यहां पर मैनेजमेंट सरकारें कर रही हैं। ऐसे में यदि दोनों एक्शन प्रॉपर रहे, एक एक्शन तो प्रॉपर है ही क्योंकि ग्रहों को व्यवस्थित करने का काम तो मंगल कर ही रहा है, लेकिन यदि सरकारों ने भी किसी तरह की कोई ढील नहीं दी त्योहार को देखते हुए भी और पूरी तरह से एहतियातन जो सख्ती करनी चाहिए वो कायम रखी, तो ये 2 माह का समय यदि निकल गया तो हम कोरोना से सदा के लिए निश्चित हो जाएंगे कि अब किसी तरह की कोई लहर अब हिंदुस्तान में नहीं आएगी और हम बहुत जल्द इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। लेकिन केवल 2 माह का समय ऐसा बनता है जो थोड़े से केसेस बढ़ा सकता है, ग्रहों की परिस्थिति वो कारण पैदा कर रही है और हमारे सामने भी एक कारण बन रहा है कि दीपावली का वो समय रहेगा। ऐसे में दोनों तरफ जब स्थिति एक जैसी हो तो हमें एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी, ये तीसरी लहर नहीं होगी, और वो भी इसलिए क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति और हमारा त्योहार दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे में समय से पहले आप लोगों को सचेत करना ये मेरा दायित्व है, इसीलिए वीडियो बना करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि इस समय पर हमें लापरवाही नहीं करनी है, प्रशासन को भी बिल्कुल ढील नहीं देनी है। अगर ये दोनों चीज करने में हम कामयाब रहे तो फिर तीसरी लहर सपना थी, सपना है और सपना ही बनकर रह जाएगी, क्योंकि ये 2 माह ही ऐसे होंगे जो थोड़े से केसेस के अंदर इंक्रीज करेंगे, संख्या बल बढ़ाएंगे कोरोना के मरीजों का, लेकिन ये भी केवल आशंका है, पूर्णतया ये भी हो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि बाकी परिस्थितियां हमारे फेवर में है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में डेट वाइज ये बताने की कोशिश की है कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कब बढ़ सकती है और कब तक रहेगी और उसके बाद उसका खात्मा कैसे हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इसके बाद में आप लोगों को यह समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, कब खत्म होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कितने केसेस आएंगे, बच्चे संक्रमित होंगे नहीं होंगे, क्या बुजुर्ग होंगे, जिनको टीका लगा है उनका क्या होगा, ऐसी तमाम सारी संभावनाओं को मैंने यहां बहुत स्पष्ट तरीके से आप लोगों के सामने रख दिया है। केवल ये 2 माह का समय है, इन 2 माह के समय को हमें ध्यान से रखना है, बस इतना सा हमें करना है, हम सदा के लिए इस कोरोना की महामारी से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में इक्के दुक्के तो केसेस हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि लोग तो लापरवाह हैं, पूरी तरह से लोग समझेंगे नहीं, लेकिन 10,000-20,000 केसेस पर डे के आते रहे पूरे हिंदुस्तान में, इतनी सी संख्या बल हमारी रह जाएगी और वो भी बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दर्शक को मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं फिर कोई रोचक जानकारी लेकर, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।